आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आइए स्ट्रेट अवे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे पास ओरिएंट एरोचिल 51 लीटर है, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग और एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये एयर कूलर सुपर ब्रांड और बेस्ट ब्रांड्स बाय इकोनॉमिक टाइम्स के टैग के साथ आता है, तो आपको क्वालिटी तो बहुत ही बेहतरीन इसमें मिलने वाली है। ओरिएंट एरोचिल एक बजट एयर कूलर है, एक डेजर्ट कूलर है, जो आपको कॉस्ट करेगा करीबन 8,000 रुपीज। इसमें आपको 4-वे कूलिंग, डेंस नेट हनीकॉम पैड्स, 5 ब्लेड्स मिलते हैं आपको इसमें। जो नॉर्मली एयर कूलर के अंदर 3 ब्लेड्स होते हैं, इसमें आपको 5 ब्लेड्स मिलते हैं। 3200 CMH एयर डिलीवरी। एयर डिलीवरी को ही देखकर आपको अपना कूलर सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर ब्रांड का अपना अपना तरीका होता है एयर डिलीवरी को कैलकुलेट करने का। ओरिएंट ने अभी हाल ही में इस पावरफुल एयर कूलर को लॉन्च किया है, तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। 4 इसके अंदर आपको कैस्टर व्हील्स भी मिलेंगे। एक बजट डेजर्ट एयर कूलर है, 190 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। इसमें आपको कोई भी फैंसी फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, बट एक पावरफुल मोटर डेफिनेटली मिलेगी, और आप इसे इन्वर्टर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस कूलर को आप चाहे ऑनलाइन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं, या फिर आप हमसे भी बाय कर सकते हो। प्रॉनिक्स लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स नोएडा स्टोर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ अब हमने इसको अनबॉक्स कर दिया है, आपने चारों तरफ से इसे देख भी लिया होगा। आप जो है यहाँ से इसके अंदर वाटर फिल्स कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर आइस क्यूब्स वगैरह भी डाल सकते हो। जो मैंने बात करा था 4-वे आपको इसके अंदर कूलिंग मिलती है, तो ये जो आगे के जो लूवर्स दे रखे हैं वो आपके साइड बाय साइड मूव करते हैं, जो अंदर के हैं वो ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा कमाल का फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर वाटर लेवल इंडिकेटर पूरा बहुत बड़ा दे रखा है। इसकी बॉडी की बात करें तो बहुत ही ड्यूरेबल, एक रिजिड बॉडी आपको इसके अंदर मिलती है, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई लीकेज या डेंट वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। और जब पानी गिरता है ना हनीकॉम पैड्स के ऊपर, तो वो भी बाहर की तरफ मुझे नहीं लगता गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो है स्लीव बहुत लंबी कंपनी ने दे रखी है। हनीकॉम जिप की जो क्वालिटी है वो नॉर्मली जो आपको कूलर्स के अंदर मिलती है उस तरह की है। कोई एयर प्योरीफायर या फिर मॉस्किटो नेट वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। इसको खोलना बहुत आसान है। इसके अंदर जो पीछे की तरफ और साइड की तरफ पैड्स दे रखे हैं, इसको खोलना बहुत ही आसान है। कोई पेच वगैरह नहीं लगे हुए हैं, कोई आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह की नीड नहीं लगती। बहुत ही आसानी से इसे खोल लीजिए, बंद कर दीजिए, और नीचे की तरफ यहाँ पे जो वाटर रिलीज करने के लिए आउटलेट दे रखा है वो भी नीचे की तरफ दे रखा है। कई कूलर्स के अंदर ना बिल्कुल बेस पर दे रखा होता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। तो इसके अंदर जो है आपको बेस पर ना मिलकर नीचे साइड में मिल जाएगा, तो आसानी से आप इससे वाटर भी रिलीज कर सकते हो। ये मेरे को बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा। हनीकॉम पैड्स का साइज बहुत ही बड़ा है, आइए इसे मेजर कर कर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कूलर की हाइट को नापा है, 3.4 फीट इसकी हाइट है। बाकी साइड पैड्स को अगर हम देखें तो 12 इंच चौड़े हैं ये, और 23 इंच लंबा, इतना बड़ा आपको हनीकॉम मिलता है। बैक साइड की भी बात करें तो 19 इंच का आपको चौड़ाई मिलती है, और 24 इंच लंबे, इतने बड़े आपको हनीकॉम पैड्स मिलते हैं। तो कूलिंग तो बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर आपको मिलने वाली है। अभी हम इसे चलाकर भी देखेंगे और इसकी एयर स्पीड और एयर डिलीवरी को भी नापेंगे। कैस्टर व्हील्स भी एक डिसेंट क्वालिटी के हैं, आराम से आप कूलर को आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा। तो हमने अब कूलर को शुरू कर दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्विंग मोड में अभी मैंने कूलर को डाल दिया है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड लूवर्स मूव कर रहे हैं और ऊपर नीचे भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके की कमाल फीचर आपको अगर एक बजट एयर कूलर में मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अब नेक्स्ट इसकी आवाज को एक बार सुन लेते हैं। हवा तो बहुत ही अच्छी है, इसकी आवाज एक बार इसकी हम सुनकर देखते हैं। उसे हमने मेजर भी किया है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था, हम इसकी एक्चुअल एयर डिलीवरी और एयर स्पीड अलग अलग हाइट पर, अलग अलग डिस्टेंस से कूलर के कितनी आ रही है वो हम नापेंगे। तो एक क्या लंबे दूरी पर भी ये कूलर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्या इसका एयर थ्रो बहुत अच्छा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएगी। तो जब मैं सबसे दूर डिस्टेंस पर भी यहाँ पे बैठा,
तब भी मुझे काफी अच्छी हवा मिली, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में एटमबर्ग रेनिसा का कंपेयर किया था पेडेस्टल फैन का एयर स्पीड और एयर डिलीवरी, तो यहाँ पर उसके मुकाबले इस कूलर का तो बहुत ही ज्यादा एयर डिलीवरी है और एक बहुत ही अच्छी एयर स्पीड है। अंदर की तरफ आप देख सकते हो, पैड तो खोलना इसका आसान है ही, अंदर की तरफ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइन सब कुछ है। और ये कूलर 51 लीटर कैपेसिटी के अंदर आता है, तो 2 रात तो आराम से आपके निकाल देगा। हवा मुझे बहुत ही अच्छी लगी, थोड़ी सी आवाज जरूर है कूलर के अंदर, बट हवा बहुत ही अच्छी है, प्राइस बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी डील हो सकती है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कूलर के बाय लिंक्स दे दिए हैं, या फिर आप नोएडा या उसके आसपास रहते हो तो हमारे स्टोर को भी विजिट कर आप इस कूलर को बाय कर सकते हो।